A very good morning students. So today we are at a flower shop. हम एक flower shop पर हैं and we are understanding the concept of multiplication with the help of this flower shop. So let's move towards our concepts. So we are discussing about the properties of multiplication. The first property of multiplication is zero property of multiplication. Now you can see five baskets. Five vacant basket on your screen. Yes, we don't have any flower. So anyone ask us how many flowers are there in all together? In sab baskets mein kitne flowers hai? So we have five baskets in total and zero flowers in each basket. Hamare paas koi flowers nahi hai. So how many flowers in all total? So if we multiply five baskets into zero flowers, we get zero. So we have total zero flowers in all. So if we multiply जीरो विद एनी नंबर वी गेट ज़ीरो. जब भी हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट ज़ीरो एज आर आंसर. सो प्रॉपर्टी नंबर टू, वेन वन मल्टीप्लाइड टू एनी नंबर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज द नंबर इट्सेल्फ. जब भी हम किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा प्रोडक्ट वही आता है जो वो नंबर होता है. सो वी हैव फोर बास्केट्स एंड फोर फ्लावर्स इन फोर बास्केट्स. वन फ्लावर्स इन ईच बास्केट, एक फ्लावर एक बास्केट में. सो हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर ऑल टुगेदर? सो टोटल कितने फ्लावर्स हैं हमारे पास? वी हैव फोर बास्केट्स. कितनी बास्केट्स हैं? वी हैव फोर बास्केट्स एंड वन फ्लावर इन ईच बास्केट, और एक फ्लावर एक बास्केट में. सो फोर इंटू वन, अगर हम फोर को वन से इंटू करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट फोर. सो वी हैव फोर फ्लावर्स. ठीक है, फोर बास्केट एंड वन फ्लावर्स इन ईच बास्केट, वी गेट फोर फ्लावर्स. सो इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड विद वन, किसी भी नंबर को जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट अ नंबर, द नंबर इटसेल्फ, हमें वही सेम नंबर मिलता है एज आर आंसर. नाउ लेट्स मूव टू आर सम अदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट मल्टीप्लीकेशन. सो इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद 10, 100 और 1000, हाउ कैन वी सॉल्व दैट? सो लेट अस अंडरस्टैंड. सो इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद 10, so we have a number 4 into 30, this is in tens, okay, 30 is including in tens, okay. So how can I multiply 4 into 30? So we all know that we have to multiply 4 into 3030. So we have to multiply 4 into 3 tens, how many tens? 3 tens, okay. So I have to multiply 4 into 3 tens. So what I get? 4 into 3 tens, how many tens? 4 threes are 12. So I get 12 tens. So 12 tens matlab kitna hota hai? 120. So if I multiply 4 into 3, 4 threes are 12, I get 12. 12 and then after this the remaining 0. Iske piche kitni 0 hai? 10. So agar main yahan pe 10 laga dungi to I get the answer. I get the answer. ओके, नाउ किसी भी नंबर को जब हम 30 या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं वी मल्टीप्लाई इट विद द टेंस. सो 4 threes are 12 होगा, एक जीरो पीछे की साथ में लग जाएगी, सो वी गेट द आंसर. सो हाउ कैन आई मल्टीप्लाई विद द नंबर 100? सो आई हैव अ नंबर 2 into 300, आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 300. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 300 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो 2 threes कितना होता है? 6 होता है एंड रिमेनिंग 2 zeros, सो ये 600 हुआ. कितना हुआ? 600. सो आई गेट 600. सो 2 threes यहां से हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 threes 6 और रिमेनिंग 2 zeros वी कैन एड दिस. So very easy to do. Yes, now let us understand with the multiplication with 1000. So if we multiply 2 into 6000, so what we get? You all know that we have to multiply 2 into 6000. Hame kya karna hai? 6000 se multiply karna hai. 6000 se. So 2 into 6000, I get how many? 6 into 2, 12000. Kitna hua mere paas? 12000. यस, कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड.
सो मैंने मल्टीप्लाई किया 2 × 6, 2 × 6 जा आई गेट 12. हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 3 zeros. सो इफ आई एड 3 zeros विद इट आई गेट 12,000. सो इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू मल्टीप्लाई अ नंबर जिसके पीछे जीरोज हो. ओके okay?